iPhone 14 Plus या iPhone 13 Pro Max, इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि इनकी प्राइसिंग तकरीबन सेम ही है। जो iPhone 14 Plus है वो आपको 90,000 में मिलता है, और अगर आप ग्लोबल iPhone 13 Pro Max लेते हो इन न्यू कंडीशन, देन आपको 90,000 से लेके 92,000 में पड़ता है। पर अगर आपको इंडियन वेरियंट ही परचेस करना है और वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में, देन वो आपको थोड़ा ज्यादा महंगा मिलता है। और अगर आपको यूज कंडीशन में परचेस करना है यानी कि इंडियन यूनिटी, देन वो आपको इससे भी सस्ता मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में यही कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से ले तो कौन सा ले, क्या हमें नया iPhone 14 Plus लेना चाहिए या पुराना iPhone 13 Pro Max। Apple ये बात क्लेम करता है कि जो iPhone 14 Plus है उसमें आज तक का सबसे बड़ा बैटरी बैकअप है, बट इन रियलिटी इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी है, जैसे कि इसमें आपको प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं मिलता। इन दोनों iPhones में अपने अपने डिफरेंसेस भी है और अपने अपने सिमिलैरिटीज भी है। इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो है इसकी बैटरी बैकअप और इसकी डिस्प्ले साइज। तो भले वो iPhone 14 Plus हो वन iPhone 13 Pro Max, इन दोनों में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इनमें जो आपको बैटरी बैकअप भी मिलता है इट इज प्रीटी मच आइडेंटिकल, क्योंकि ये जो तीन iPhones है यानी कि iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus और जो iPhone 14 Pro Max है, these are three of the best iPhones in terms of battery backup. अगर आप किसी भी Android phone से भी compare करते हो, तो भी ये सबसे अच्छा battery backup देता है। तो इन दोनों की size भी same है, इनमें जो आपको battery backup मिलता है, वो भी काफी हद तक similar है, और इसमें जो आपको display भी मिलता है, वो भी same size का है, but जो डिस्प्ले आपको iPhone 13 Pro Max में मिलता है वो 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, और जो डिस्प्ले आपको iPhone 14 Plus में मिलता है वो 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। और चाहे इन दोनों का परफॉर्मेंस सेम है यानी कि आपको इनमें A15 बायोनिक चिप मिलती है, बट जो एंड यूजर एक्सपीरियंस है वो iPhone 13 Pro Max का ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द iPhone 14 Plus। तो भले iPhone 14 Plus अभी का लेटेस्ट iPhone है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जो iPhone 13 Pro Max है वो कुछ ज्यादा फास्ट लगेगा इन अ लॉन्ग रन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार का लेटेस्ट iPhone ही सबसे अच्छा होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पिछले साल का बेस्ट iPhone होता है इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज द लेटेस्ट iPhone। यहाँ पर आप iPhone 13 Pro Max को ऐसा देख सकते हो कि इसमें वो iPhone 14 Plus की सारी चीज है, बट यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की फ्रेम मिलती है, इसमें आपको फ्रॉस्टेड ग्लास पैनल मिलती है, इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, लाइडार सेंसर मिलता है, एंड इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस मच मोर प्रीमियम कलर्स। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हो देन जो iPhone 13 Pro Max है वो iPhone 14 Plus का एक्चुअली अपग्रेड लगता है। तो अगर आपका बजट तकरीबन 90,000 है और अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली प्रेफर द iPhone 13 Pro Max ओवर द iPhone 14 Plus। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि अगर नया iPhone मार्केट में अवेलेबल है यानी कि iPhone 14 सीरीज, देन क्यों मैं पिछले साल का लूं, क्यों मैं iPhone 13 सीरीज का iPhone लूं rather than going for the latest iPhone। बट हर कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट iPhone ही सबसे अच्छा होता है। iPhone 14 Plus भी बहुत बढ़िया iPhone है, बट स्टिल अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट iPhone चाहिए देन डेफिनेटली प्रेफर द iPhone 13 Pro Max। बट इसका मतलब ये नहीं है कि iPhone 14 प्लस में कुछ कमी है, बट अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखते हो, और सच में अगर iPhone 14 Plus ज्यादा अच्छा होता एज कम्पेयर टू द iPhone 13 Pro Max, देन क्यों Apple iPhone 13 Pro Max को डिसकंटिन्यू करता। तो अभी कुछ ही दिनों में आपको iPhone 14 Plus हर जगह पे दिखेगा, बट एट द सेम टाइम आप उसको भी ले सकते हो। बट अगर आप मेरी मानते हो देन डेफिनेटली प्रेफर द iPhone 13 Pro Max अगर आपको वो अच्छा लगता है। तो बस इतना था आज के वीडियो के लिए, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।